रामराजा पहाड़ पर भव्य और दिव्य हरिहर तीर्थ स्थल का निर्माण होने जा रहा है। इस तीर्थ स्थल के बनने से भक्त चारों धाम और देश विदेश में स्थित देवी देवताओं के दर्शन एक ही स्थान पर कर सकेंगे। इस तीर्थ स्थल के लिए 12 जून को भूमि पूजन होने जा रहा है। कटनी जिले के विजय राघवगढ़ में स्थित रामराजा पहाड़ विश्व पटल पर अपनी विशेष पहचान बनाने जा रहा है। यहाँ निर्माण होने वाले भव्य हरिहर तीर्थ धाम में चार धाम, द्वादश ज्योतिर्लिंग, श्रीकृष्ण के विराट स्वरूप की प्रतिमा, भगवान परशुराम की 108 फीट की अष्टधातु की प्रतिमा, नदी किनारे निषादराज की प्रतिमा, शबरी माता का मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण और 9 देवियों की मूर्ति सहित देश विदेश में स्थित दिव्य देवालयों को एक ही स्थान पर हरिहर तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है। हरिहर तीर्थ निर्माण के लिए भूमि पूजन 12 जून को होगा, जिसके साक्षी जगतगुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी, स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज जी, प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी सहित अलग अलग पीठों के पीठाधीश्वर और संत होंगे। 51,000 कलशों के साथ विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। हरिहर तीर्थ धाम का निर्माण विधायक संजय सतेंद्र पाठक के संकल्पों का परिणाम है, जिसका भक्तों को लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।